बंदिता, बंदिता दरवाजा खोल। बंदिता दरवाजा खोल। जब तक आप सखा बाबू को जेल से नहीं छुड़वा देती तब तक मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगी। और दवा भी नहीं लगवाऊंगी। ऐसी बैठी रहूंगी मैं कमरे में। मैं तेरी ठाकू माँ हूँ, मुझे तेरी जिद और ये दरवाजा दोनों तोड़ना आता है। मुझसे ज्यादा आपको कौन जानता है ठाकुर माँ, आप कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन मैं भी कह देती हूँ कि आप जिद तोड़ सकती हैं मेरी, पर मेरी हिम्मत नहीं। अगर आप दरवाजा तोड़ देंगी तो मैं खिड़की से कूद जाऊंगी। नहीं 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 बंदिता, बंदिता ऐसा कुछ भी मत करना बेटा। ठाकुमा ऐसा कुछ भी मत कीजिए ठाकुमा, कि मेरी बंदिता गुस्से में आके कोई गलत कदम उठा लिया। ठाकुमा मैं अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसके लिए उसके जान से भी बढ़कर उसके सखा बाबू है। ऐसा कुछ भी मत कीजिए ठाकुमा। अनिरुद्ध बेटा तू चिंता मत कर, हम तुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलवाएं। एक रात तू पहले ही यहाँ बिता चुका है, अब बस और नहीं रहने देंगे तुझे, कुछ भी करेंगे हम। आप जा सकते हैं, आपको छोड़ दिया गया है। मैंने आपसे कहा ना मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ, इतना काफी नहीं है। आप कागज तैयार कीजिए, मैं अंगूठा लगा देती हूँ। जी वैसे एक बात पूछो आपसे, आपने इतना जोर लगाकर सलाखों के पीछे डलवाया बैरिस्टर साहब को, अचानक से आप खुद ही उन्हें बाहर आने दे रही है, कुछ समझ में नहीं आया। पढ़ाई और पिटाई सही मौके पर करती है ठाकुर माँ। ये बैरिस्टर बाबू मेरे लिए परेशानी बन गया था, लेकिन अब हुकुम का इक्का है। वैसे तो ये अनिरुद्ध रॉय चौधरी एक चींटी की तरह है मेरे सामने, जब मन में आएगा तब अपनी चप्पल के नीचे मसल दो। सही कहा आप। यहाँ अंगूठा लगा। मैं विश्वास नहीं हो रहा, इसने इतनी आसानी से कैसे निकलने दिया तुझे। समझ तो मैं भी नहीं पा रहा काका, हूँ इसमें इनकी कोई नई चाल नजर आ रही है मुझे। जाने क्या चल रहा है ठाकुर माँ के दिमाग में। टेढ़ी खीर है, चल बेटा। बंदिता बेटा तेरे आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, लगा ले दवा। बात सुन मेरी। ठाकुमा सखा बाबू को जेल से नहीं छुड़वा देती तब तक मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगी। मर्द जात के लिए मधुशाला और लड़की जात के लिए पाठशाला, दोनों ही विनाश करते हैं। इतना पढ़ लिख लिया तूने, एक बार अपनी ठाकुमा का दिल भी पढ़ लेती तो तुझे पता चल जाता कि हर पन्ने पे तेरी भलाई लिखी हुई है। जिद छोड़ अपनी, अब छुड़ा कर आ रही हूँ तेरे सखा बाबू को। चल दरवाजा खोल और लगवा ले लेप। नहीं, मुझे भरोसा नहीं है आपकी बात पर, आपने पहले भी झूठ बोला है ना मुझसे। रुक, दिलाती हूँ भरोसा। देख, अब तो खोल दरवाजा, अब आया भरोसा तुझे। अब लगवा ले लेप, तेरा घाव गहरा है बॉन्दिता। आहिस्ता, आराम से बैठ। अब तो लगवा ले लेप। नहीं ठाकुर माँ, पहले मुझे अपनी आंखों से देखना है सखा बाबू को। बाहर आ अनिरुद्ध रॉय चौधरी। सखा बाबू, सखा बाबू, देखते हैं ना आप। देखो बॉन्दिता, तुम कैसी हो? अब रोइए मत, अब रोते हुए अच्छे नहीं लगते। तुम भी मत रोना बॉन्दिता, रोते हुए तुम भी अच्छी नहीं लगती। मैं नहीं रो रही, मैं तो बहुत खुश हूँ आपको देखकर। ये देखिए चल, भरोसा हो गया ना? चल। संभाल के इसको लिटाओ। लेप लगा दिया है, अब तू आराम कर। अरे अनिरुद्ध, कहीं जा रहा है क्या बेटा? हाँ काका, ठाकुर माँ से मिलने जा रहा हूँ। उन्हें बताने जा रहा हूँ कि मैं बॉन्दिता को आगे की पढ़ाई के लिए विलायत ले जाना चाहता हूँ। वैसे कल तुझे छुड़वाया भी, और खिड़की से ही सही, पर कल रात को बॉन्दिता को भी देखने दिया तुझे। शायद सच में बदलाव आ रहा है कालिंदी के मन में। ठाकुर माँ आसानी से बदलने वाली नहीं लगती काका, जरूर कुछ चल रहा है उनके मन में। प्यार से समझाया होगा हमारी बॉन्दिता ने, शायद हाँ शायद ना। जो भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा निर्णय नहीं बदलने वाला काका। माफ कीजिए जेठ जी, वो देर हो गई, कपड़े लेने गई थी दर्जी से। कोई बात नहीं, बिहारी दे देता, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है इतना। हाँ, परेशानी की जड़ ही नहीं होगी तो परेशानी किस बात की। हा? अब मेरा मतलब है, हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है ना। हम तुलसीपुर वापस जो जा रहे हैं। ये किसने कहा तुमसे? अब कहने वाली क्या बात है। ठाकुर माँ ने बॉन्दिता का रिश्ता तय कर दिया है, तो तुलसीपुर तो जाना ही होगा ना हमें। ये तुम्हें किसने बताया? वो मैं जिस दर्जी के पास गई थी, वहाँ बॉन्दिता के शादी के कपड़े भी सिलने आए थे, बस वही से पता चला मुझे। मैं जानता था ये ठाकुर माँ कभी नहीं बदलेगी काका। हाँ, जोड़ दिया तेरा रिश्ता। अब तू भी अपनी जिद छोड़ और राजी खुशी अपनी शादी की तैयारियां कर। ठाकुर माँ, मैंने कहा ना कि मैं नहीं करूंगी ये शादी, और ना ही मैं ये शादी होने दूंगा। ठाकुर माँ, मैं पहले भी बाल विवाह के विरुद्ध था, रोकना चाहता था, लेकिन तब कानून ने मेरा साथ नहीं दिया। बॉन्दिता को सती होने से बचाने के लिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी, लेकिन अब बाल विवाह के विरुद्ध कानून बन चुका है। बॉन्दिता, तुम्हारा बाल विवाह नहीं होगा। मैं हर हाल में रोक के रहूंगा और वो रोकने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। गलत दवा की गोली और मूर्ख की बोली दोनों नुकसान देती हैं। अगर बॉन्दिता की इतनी चिंता है तुम्हें, तो छोड़ा क्यों उसे? क्यों तोड़ा उसके साथ रिश्ता? उसकी मांग का सिंदूर छीनकर उसकी खुशियां तो छीन ली तुमने। अब जो बची कुची जिंदगी है उसे भी खराब करना चाहते हो? ठाकुमा, अगर बॉन्दिता की जगह कोई भी और लड़की होती ना और उसका जीवन बाल विवाह नाम की इस कुप्रथा में जल रहा होता, मैं तब भी शादी को रोकता, क्योंकि मेरा मानना है कि बाल विवाह ही गलत है। एक लड़की के तन पर, एक लड़की के मन पर, उसकी आत्मा पर बोझ है। तुम्हारी ठाकुमा तो मना नहीं कर पाएंगी बॉन्दिता। तो चलो हम ही लड़के वालों को मना कराते हैं। आओ। बॉन्दिता, बॉन्दिता, क्या हुआ बॉन्दिता? घाव के कारण अभी भी पैर दुख रहा है। बहुत ज्यादा माँ। घाव? कैसा घाव? खंडर में लोहे का सलिया चुभ गए थे इसके पैर में। देखा अपने ठाकुमा, देखा अपनी रूढ़िवादी सोच और दकियानूसी विचार का नतीजा। आपने बॉन्दिता को शुद्धिकरण के लिए भेजा था ना, लेकिन क्या हुआ? इतना बड़ा घाव लग गया उसे। और आपको फर्क तक नहीं पड़ रहा। बॉन्दिता, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है सका बाबू। ठाकुमा कर रही है मेरा इलाज अपनी बनाई दवाई से। ठाकुमा दवा दे रही है। मुझे माफ करना ठाकुमा, पर मुझे अब आप पर कोई भरोसा नहीं। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूं बॉन्दिता। ये कुछ दवाई है, आप दे दीजिएगा। जी। छूट मिले तो जान ले लो मेरी। अब नागिन के छाल बदलने से उसके अंदर का जहर थोड़ा ना कम हो जाता है। मतलब ये है कि मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हो रही है दीदी कि पहले सासू माँ ने अनिरुद्ध बाबू को और उसके बाद डॉक्टर को अपने घर में आने दिया। आपको अजीब नहीं लग रहा है दीदी? हैरान तो मैं भी थी बॉडी, पर फिर मुझे लगा शायद बॉन्दिता के लिए उन्होंने ये सब कुछ मान लिया हो। बिना मतलब कि सासू माँ किसी के लिए अपने नियम नहीं बदलती हैं। अब पता नहीं कौन सी नई चाल दौड़ रही है उनके शैतानी दिमाग में। एक मिनट ठाकुमारी, डॉक्टर साहब ये बॉन्दिता की ठाकुमा हैं, एक वैद्य हैं, लेप लगाना चाहती हैं बॉन्दिता के पैर पर। क्या वो लगा सकती हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकती है। डॉक्टर साहब जी, अगर आपको शाम को वक्त मिले तो बॉन्दिता को दोबारा देख जाइएगा। जी आ जाऊंगा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। सासू माँ खुद डॉक्टर को फिर से आने को कह रही है। ये हो क्या रहा है? जरूर ये ठाकुर माँ की कोई नई चाल है। डॉक्टर साहब, जल्द से जल्द ठीक तो हो जाएगी ना बोंदिता? आपने वैसे सही टाइम पे मुझे बुला लिया, वरना इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाता। बहुत बहुत शुक्रिया बोंदिता की जान बचाने के लिए। और आप चिंता मत कीजिए, बोंदिता बहुत समझदार लड़की है, सही समय पर दवाइयाँ खाई और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आप जानते हैं, आगे पढ़ने के लिए बहुत जल्दी लंदन जाने वाली है बोंदिता। लंदन? जी। अब ये हो नहीं सकता। नहीं हो सकता मतलब क्यों? घाव से पैर में इतना इन्फेक्शन बढ़ गया है, क्या हमें मजबूरन उसका पैर काटना ही पड़ेगा बोंदिता का? ऐसा करके ही हम उसकी जान बचा सकते हैं। दीदी, ताकि मैं आपको ये बताना पाऊँ कि आपका रिश्ता पक्का हो गया है, और आज खुद वापस बुला लिया मुझे, और यहाँ पर आके पता चला कि आपके पैर का घाव और बढ़ गया है। मेरी प्यारी टापुर, तू चिंता मत कर मेरी, मेरे सखा बाबू मेरे साथ है, और चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा बाल विवाह नहीं होने देंगे। बोंदिता का पैर काटना पड़ेगा? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं नहीं नहीं, बोंदिता का पैर नहीं काट सकते, बच्ची है वो, उसका पूरा भविष्य। नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है ना बोंदिता के साथ, ये पुरानी रूढ़िवादी सोच और रीति रिवाजों के कारण हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं इस मानसिकता को, इस विचारधारा को जीतने नहीं दे सकता। बोंदिता के पैर नहीं काट सकते, हमें बोंदिता के पैर बचाने होंगे। हमें कुछ सोचे ना, कोई तो तरीका होगा ना आपके पास, कोई दवाई, कोई सर्जरी, कुछ समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझने की कोशिश करूं मैं बोंदिता का? मैं जानता हूँ ये सच मानना आपके लिए कितना मुश्किल है। मैं तो आपको यही कहूंगा, क्या आप किसी और डॉक्टर से भी एक बार सलाह ले लीजिए। हाँ, मैं कलकत्ता के डॉक्टर से सलाह लूंगा, मैं लंदन के डॉक्टर से भी मशवरा करूंगा। बोंदिता के पैर नहीं काट सकते। चलिए मैं चलता हूँ, ओके? संभालिए अपने आप को, ओके? सुनिए सब, ये दुल्हन के गैर उठ के कपड़े लाया हूँ, बाकी के कपड़े कल आ जाएंगे। ये कपड़े आप ठाकुमा को दे दीजिएगा। बोंदिता बैरिस्टर नहीं, बेहाता बनेगी, किसी की आदर्श पत्नी बनेगी। नहीं होगा ठाकुमा, मैं बोंदिता को इलाज के लिए कलकत्ते ले जाऊंगा कल, और जरूरत पड़ी तो विदेश भी ले जाऊंगा। यहाँ कोई शादी वादी नहीं होगी। देखिए जमींदार बाबू, देखना तो आपको है ठाकुमा, बल्कि सोचना है कि आपकी इन नक्यानूसी विचारों और रूढ़िवादी परंपराओं के कारण क्या हुआ है। तो, बोंदिता की जान पर बनाई है, वो चल तक नहीं पा रही। डॉक्टर साहब ने कहा है कि नहीं नहीं, मैं बोंदिता के पैर काटने वाली बात नहीं बता सकता इनको, क्योंकि इनको पता चला तो बोंदिता को भी पता चल जाएगा, और फिर वो मायूस हो जाएगी। इसीलिए सही यही होगा कि मैं पहले बॉन्दिता के घाव का इलाज ढूंढूं। किस सोच पर डूब गए अब जमींदार बाबू? और वो आप बॉन्दिता के पाँव के बारे में क्या बोल रहे थे? यही कि कितना दर्द हो रहा है बॉन्दिता को, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं। वो चल तक नहीं पा रहे और यहाँ उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अब और आप लोगों को जो करना था आप लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छे से निभा ली अपनी जिम्मेदारी ठाकुमा। अब बॉन्दिता मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी। एक बात आपको साफ साफ बता दूं ठाकुमा, मेरी बाल विवाह के विरुद्ध लड़ाई में बॉन्दिता मेरे साथ है। हमने पहले भी इस कुप्रथा को हराने के लिए साथ छोड़ा था, लेकिन इस बार ठाकुमा आपको अपनी जिद छोड़नी होगी, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरी प्यारी टापुर, तू चिंता मत कर मेरी। मेरे सखा बाबू मेरे साथ है और चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा बाल विवाह नहीं होने देंगे। और जहाँ तक रही मेरी पैर की बात, सखा बाबू डॉक्टर भी बुला कर लाए हैं और ठाकुमा ने दवा भी तो लगाई है। और वैसे भी मेरी दुग्गा माँ ने मुझे चोट दी है तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी। आप तो इतनी अच्छी है तो आपको ये चोट क्यों दी? मुझे दे देती क्यों? अरे मेरी प्यारी बहन, तुझे इसलिए नहीं दी क्योंकि तू मेरी छोटी बहन है ना, और मैं बड़ी हूँ तो मेरी सहनशीलता भी बड़ी है ना। घाव से पैर में इतना इन्फेक्शन बढ़ गया है, क्या हमें मजबूरन उसका पैर काटना ही पड़ेगा बंदिता का? सखा बाबू आप इसे ही समझाइए, इतना रो रही है, मेरा पैर ठीक हो जाएगा है ना। और फिर खूब खेलूंगी मैं ठाकुर के साथ। चल बता तुझे क्या खेलना है? जो तुमको वो। अच्छा ठीक है, लंगड़ी डांग। नहीं, लंगड़ी डांग नहीं खेलोगी तुम बॉन्दिता। लंगड़ी डांग नहीं खेलोगी तुम, भागोगी, दौड़ोगी। क्या हुआ सखा बाबू? कुछ नहीं बॉन्दिता, मेरे कहने का मतलब था कि और भी तो खेल है ना खेलने के लिए, दौड़ने भागने वाले। हमने साथ में खेला है ना बॉन्दिता, घोड़ा चमार खाई, पीछे देखा मार खाई, वो खेलोगी तुम, दौड़ोगी। बॉन्दिता ठाकुर, हम कच्चे आम तोड़ेंगे, कब से नहीं खाया हमने। और हाँ, इमलियां भी तोड़ेंगे, कब से नहीं खाई। सखा बाबू आप भी हमारे साथ चलोगे ना? हाँ बॉन्दिता। अब आप ही बताइए इसे सखा बाबू, ये मेरी सुनती ही नहीं है। टापुर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बॉन्दिता दीदी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। भागने वाले खेल बॉन्दिता, मैं वो कुछ दवाइयां लेकर आता हूँ। और कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें कलकत्ता ले जाऊंगा इलाज के लिए। बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे हम बॉन्दिता, बड़े डॉक्टर्स को दिखाएंगे, ठीक हो जाएगा तुम्हारा पैर।